नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम हाइपरबोला कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, और हाइपरबोला का आज हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला का। सो आज हम क्या क्या ट्राई करेंगे? आज हम 2022 के जेई मेंस के 7 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो 2023 में जनवरी 4 क्वेश्चन और अप्रैल 4 क्वेश्चन। और वैसे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता है। 2022 में जो 7 क्वेश्चन आए हैं उनका डिफ़िकल्टी का लेवल काफ़ी कम था, 2023 में जो जनवरी में आए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, और उसके बाद अप्रैल में जो आए हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। सो टाइम ना वेस्ट करते हम शुरू करते हैं करके 2022 के 7 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड लेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी पॉजिटिव है, बी हाइपरबोला सच दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज दिस। इफ एसेंट्रिसिटी इज दिस, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। सो हमें दिया क्या क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का जो सम है वो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4 × √2 प्लस √14। एंड उसके बाद हमें इसेंट्रिसिटी दी हुई है, ई इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √11/2। सो हमें ये दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हमें पता चल गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 × √2 प्लस √14। एंड यहाँ से हमें आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 11/4 माइनस 1। सो 11/4, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू √7/2 × a। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी √7/2, दिस इज इक्वल टू 2 × √2 प्लस √14। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को हम b में सब्सिट्यूट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने सिंपल इसकी मैथमेटिक्स करना है, इसका 2 + √7 एंड ये 2 इस साइड आगे जा चला गया, 2 × √2 प्लस √14। इसको हम ले जाएंगे इस साइड, इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 प्लस √14 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इज प्लस √7। सो इसको मैं √7 को आगे लिख रहा हूँ, √7 + 2 एंड इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये बन जाएगा √7 - 2 डिवाइडेड बाय √7 - 2। इसको रैशनलाइज कर लिया ताकि 7 - 4, इसको हम अगर फर्दर सॉल्व कर ले, सो यहाँ पे हमारा आ गया 4 एंड नीचे हो गया 3, 7 - 4 = 3 एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 √14 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4√2 - 4√2 एंड इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा +7√2, ये 7 निकला है इससे, 7√2 एंड -2√14। सो ये सिंपलीफाई आप करके देख सकते हैं इजीली, सिंपल मैथमेटिक्स, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई एंड यहाँ से हमारे ए की वैल्यू आ गई, टर्म कैंसिल हो गई, 7 - 4 हो गया 3। सो यहाँ पे हो गया 4/3 × √2। सो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4√2। यहाँ पे हमें बी की वैल्यू पता है, बी इज इक्वल टू √7/2 × a, ए की वैल्यू है हमारी 4√2। सो ये हमारी वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल टू 2√14। सो ये बी की वैल्यू हो गई हमारी, ये ए की वैल्यू होगी, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गिवन बाय 4√2 मीन्स 16 × 2 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 4 × 14। सो ये हमारा हो गया 32, ये हमारा हो गया 56, सो ये हमारा हो गया 88। सो 88 इज द आंसर, 6 + 2 5 + 3, सो 88, सो आंसर इज 88। सो ये हमारा क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, लेट ए एंड बी पॉजिटिव, ई एंड एल बी दी इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला दिस, ई डैश एल डैश रिस्पेक्टिवली इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ई स्क्वायर का एल से रिलेशन ये है 11/14, ई डैश स्क्वायर का 11/8 एल डैश, देन द वैल्यू ऑफ 77 ए
प्लस 44 बी इज इक्वल टू, वो वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, एक हाइपरबोला हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हम मैंने एक ये करवाया था आपको जिसमें कि ए और बी की वैल्यू चेंज हुई, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। या फिर जो दूसरा हाइपरबोला इसका हम कॉन्जुगेट लिखते होते हैं, दैट इज गिवन बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब हमारे एक्स के साथ ए का रिलेशन रहे, वाई के साथ बी का रहे, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता होता है। इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय वन बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इज द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है इसका ई डैश एल डैश टू ए स्क्वायर बाय बी, ये हमारी इसकी सेंट्रिसिटी होती है। नॉर्मल इक्वेशन हमारी होती है सेंट्रिसिटी की वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड एल की वैल्यू होती है हमारी दैट इज टू टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए। ये कॉन्जुगेट के केस में हमें ये वाला हम इसमें यूज़ करेंगे, दिस वन हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और इसमें फिर सेम ही सेंट्रिसिटी आती है, सेंट्रिसिटी की वैल्यू फिर सेम चलेगी, इक्वेशन बनती नहीं है। आई हैव ट्राइड दिस, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो अब हमें दिया ये सारी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे ई स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 11/14 इंटू एल। सो इसका मतलब हो गया हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 11/14 इंटू 2 बी स्क्वायर बाई ए। सो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 7 एंड इस साइड अगर हम देखेंगे ई डैश की वैल्यू है 11/8 इंटू एल डैश, सो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11/8 इंटू 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी, क्योंकि इसकी जो एल डैश है दैट इज ए स्क्वायर बाई बी। हमें ये वाली फॉर्म लेके चलना है कॉन्जुगेट, इट्स इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो ये लेंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पर हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज ए की जगह हमने बी किया है, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बाई बी इज एल डैश। इसके बाद हमारा फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आ गया 11 ए स्क्वायर बाई 4 इंटू बी। सो इसको और इसको अगर हम डिवाइड कर दें सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मैं पहले ये लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई इसके दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज गिवन बाई यहाँ पे है हमारा 11 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इंटू ए एंड यहाँ पे हमारी टर्म है 11 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारा आ गया 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 4/7 इंटू यहाँ पे हमारी आ गई बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। सो इसका मतलब हमारे बी बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई ए इज गिवन बाई 7/4। सो बी बाई ए की वैल्यू हमें पता चल गई है, उसके बाद हमें पता क्या करना है 77a + 44b की वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, लेटर से मैं इसमें सब्सिट्यूट कर देता हूँ, लेटर से मैं इस इक्वेशन में b बाई ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा 1 + b² / a² की वैल्यू हो गई हमारी 49/16 इज इक्वल टू 11/7 इंटू बी स्क्वायर की जगह हमारा हो गया 49/16 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, सो यहाँ पे आ गया हमारा a। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी, a की वैल्यू है हमारी a इज इक्वल टू 16+49, ये हमारा हो गया 16+49 a इज इक्वल टू 16+49 डिवाइडेड बाई 16 इंटू यहाँ से हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 11 एंड 49। सो ये आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, सो ये हमारा डिनोमिनेटर में हो गया 77, डिनोमिनेटर ही 77, न्यूमिनेटर हो गया हमारा 65।
सो 77 ए की वैल्यू हमारी हो गई, दैट इज इक्वल टू 65. सो ये हमारा फर्स्ट तो आ गया 65. 44 बी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो बी बाई ए इज गिवन बाई 7/4. सो ए की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर लें, 7/4 इंटू ए, ए इज 65/77. सो ये हमारा हो गया 65/44. 7 इंटू दिस 44. सो 44 बी की वैल्यू कितनी है, वो भी 65 है. सो दिस इज इक्वल टू 65+65. सो ये हमारा हो गया 10/130. सो ये डी इज द आंसर, 130. सो आई होप आई एम क्लियर. यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला ये था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हमने ये इक्वेशन यूज करनी है या ये करनी है. हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. उसके बाद क्योंकि इसकी सेंट्रिसिटी में जो है 1+a² / b² है, ये वाली टर्म जब मैंने आपको कराई थी, मैंने आपको कहा था सेंट्रिसिटी लेटस रेक्टम वगैरह चेंज नहीं होंगे. इसमें हमने सिर्फ एक्स की जगह वाई कर दिया था, वाई को इस साइड ले आए थे, एक्स को इस साइड ले आए थे. दूसरी फॉर्म ये है कि हम ए और बी को शिफ्ट ना करें, सिर्फ एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव कर दें, वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा. एक्स का साइन नेगेटिव करते इसका कॉन्जुगेट बन गया, बट इस केस में सेंट्रिसिटी लेटस रेक्टम चेंज होंगे. ये ध्यान देने वाली बात है. बेसिक इसका ये है, इस केस में अगर हम ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव बन गया, एक्स के आगे नेगेटिव लगाते ही उसका कॉन्जुगेट ये वाला बन गया, इसमें सेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम 2a² / b, a² + b² यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे a और b चेंज हो रहे हैं. सो ये वाली फॉर्म हमने इसमें यूज करनी है. वो वाली फॉर्म हम यूज करेंगे, उसमें वैल्यू ही नहीं निकलती, 77a + 44b उसमें आता ही नहीं है कोई वैल्यू. सो यहाँ पे हमारा 77a इज ऑल्सो 65 एंड 44b इज ऑल्सो 65. सो 65 + 65 130 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेट द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, नॉर्मल हाइपरबोला हमारा इज इक्वल टू e इज गिवन बाय, e की वैल्यू दी हुई है हमें, दिस इज इक्वल टू 5/2. लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 6√2. सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, दिस इज इक्वल टू 6√2. इफ दिस इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, सो y इज इक्वल टू 2x + c टेंजेंट है. सो इसका मतलब हमारा c स्क्वायर हमारी वैल्यू होती है a² m² - b² सो हमें वैल्यू ऑफ c स्क्वायर ही फाइंड करनी है. क्वेश्चन इज वेरी इजी, c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. a और b की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे. यहां पे हो गया हमारा 1/b² / a² इज इक्वल टू 5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो b² / a² की वैल्यू होगी हमारी 3/2. यहाँ पे हमें बी 2 times b² / a अगर हम लगा लें, सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3/2 a² दिस इज इक्वल टू 6√2. सो 3 इंटू यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इस साइड आ गया. सो यहाँ पे आ गया हमारा a इज इक्वल टू 2√2. सो a की वैल्यू हमें पता चल गई और यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी. b² इज इक्वल टू 3/2 इंटू a² हो गया हमारा 4 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 12. सो b की वैल्यू हो गई हमारी √2√3. सो b की वैल्यू होगी हमारी 2√3, a की वैल्यू होगी हमारी 2√2. अब हमें पता क्या करना है, c स्क्वायर की वैल्यू. सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a² इज 4 × 2 = 8 इंटू m. m इज इसकी स्लोप का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, माइनस b का स्क्वायर मीन्स 4 × 3. सो ये हमारा हो गया 32 माइनस 12, सो दिस इज 20. सो c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज द आंसर. सो यहाँ पे 20b इज द आंसर. बड़ा इजी, हमने फॉर्मूला याद रखना है. कब कोई भी इक्वेशन टेंजेंट होती है, इक्वेशन कोई भी टेंजेंट होगी अगर उसका c स्क्वायर जो उसका कॉन्स्टेंट है इज इक्वल टू a² m² - b² अगर ये वाला हाइपरबोला है. अगर इसका कॉन्जुगेट हो वो भी आगे आएगा. अगर इसका कॉन्जुगेट होता y² - अगर ये इसका हाइपरबोला है माइनस दिस, अगर ये वाला होता देन कोई भी लाइन कब टेंजेंट होती, c स्क्वायर इज इक्वल टू b² - a² m². सो उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है, बी स्क्वायर आगे आ जाता है, a² m² पीछे चला जाता है. वो भी हम आज क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जेईई जो मेंस 2022 में आया वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन. नॉर्मल टू हाइपरबोला एट पॉइंट दिस, एक पॉइंट दिया हुआ है. ऑन इट पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट में पास कर रहा है. सो हमें बड़ा ही याद रखना है. मैंने आपको करवाया हुआ है नॉर्मल की क्वेश्चन हाइपरबोला में से क्या होती है. x² x / x1 + b² y / y1 = a² + b² एट पॉइंट
पॉइंट कौन सा होता है एक्स वन वाई वन, कोई भी हाइपरबोला के ऊपर नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल की इक्वेशन ये वाली होगी। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू नहीं दी हुई, सो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन क्या है हमारा 8 प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 9, सो बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 वाई बाय वाई वन इज 3√3, दिस इज इक्वल टू 3√3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, सो बी स्क्वायर हम वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं दैट इज 9। सो ये हमारी इक्वेशन यहाँ तक हमें पता है। अब ये क्योंकि 8√3 इज लाइंग ऑन दी हाइपरबोला, सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 बाय ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1, सो ये कैंसिल हो गया, सो 64 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो ये 16 हो गया, सो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, ए की वैल्यू होगी हमारी 4, सो ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, सो यहाँ से हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगी, ये क्वेश्चन बन जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 बाई 8 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हमारी आ गई वैल्यू 3 बाई रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 प्लस 9 25, तो ये हमारा आ गया 2, सो यहाँ पे हो गया हमारा 2x प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड, सो ये हो जाएगा हमारा 3y दिस इज इक्वल टू 25। सो ये हमारा ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इन चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकाल ली है, हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, सो हम ए को सब्स्टिट्यूट करके देख लें, सबसे पहले 15 2 × 15 30 प्लस माइनस यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें ए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 15 और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2 × 3 दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 6 24, सो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सो ये नहीं है क्योंकि हमारा 25 आना चाहिए। बी की वैल्यू अगर हम चेक करें बी है 9 × 2 18 एंड प्लस 2 × 3, सो ये हमारा हो गया 18 प्लस 6, सो ये हमारा हो गया 24, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी ट्राई करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस 9 × 3 27, 9√3 × √3 27 दिस इज इक्वल टू 25, सो सी हमारा आंसर है, सी सेटिस्फाई कर रहा है। अब डी चेक करेंगे, डी के केस में भी 6 × 3 18 आएगा, 18 − 1 17, सो डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो आप देखेंगे सी इज द आंसर। सिंपल आपने इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला याद रखनी है, इफ यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू ए हाइपरबोला, अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए हाइपरबोला ये इक्वेशन याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके बाद आपने कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इफ दिस लेट द सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5/4, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस, तो ये पॉइंट इस पे लाई भी कर रहा है और इसके ऊपर हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी पता है, ऑन द हाइपरबोला इज दिस देन लैम्डा माइनस बीटा इज इक्वल टू, सो लैम्डा माइनस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें दिया क्या क्या हुआ है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन दैट इज इक्वल टू 5/4, सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, सो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1, सो ये हमारा हो गया 9/16, सो बी इज इक्वल टू 3/4 × a, सो ये तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, एंड दूसरा तरीका मैंने बताया था नॉर्मल की क्वेश्चन निकालने का, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे हम पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, सो लेट अस से ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन हमारा है 8/√5, सो 8 × √5 ऊपर चला गया, प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, वाई वन की वैल्यू है 12/5, सो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये हमारी इक्वेशन हो गई जो हमें पता है। उसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, मतलब अगर हम इनके कॉफिशियंट कंपेयर करें तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, सो इसके एक्स का कॉफिशियंट है √5 a² / 8/√5 दिस शुड बी इक्वल टू, जो वाई का कॉफिशियंट है 5b² / 12 एंड इसको डिवाइड करेंगे वाई का कॉफिशियंट जो है यहाँ पे इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू
यहाँ जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। यहाँ से हमने ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, दैट इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25/16, ये हमें पता है। सो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे करके इसको और इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस से हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इनको, एंड उसके बाद हम बीटा वाली इक्वेशन को लेते हैं। सो हमें लैम्डा माइनस बीटा चाहिए, सो लैम्डा माइनस बीटा। सो लेट अस ट्राई दिस इक्वेशन। यहाँ पे हो गया हमारा रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1/64। मैं लैम्डा को इस साइड लेके आ रहा हूँ, लैम्डा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। सो यहाँ से हमें पता चल गया लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 16 × 4। सो लैम्डा की वैल्यू होगी 25 × 4, दैट इज इक्वल टू 100। सो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता है सो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू भी आराम से पता चल सकती है, और उसके बाद हमें इस इक्वेशन में से हमें बी की वैल्यू चाहिए। सो लेट अस ट्राई, बीटा की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को लेंगे। सो यहाँ पे आ गया हमारा 5/12, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बीटा, दिस इज इक्वल टू इनटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9/16 ए स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख लिया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा मैंने निकाल लिया 100। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा वेरिएबल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, सो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सो ये हमारा हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे ये हो गया 4, सो ये हमारा हो गया 15/64 बीटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा होगा ए स्क्वायर 1/100 इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारा 25/16। सो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। सो ये हमारा हो गया 25/4, सो ये 4 आ गया नीचे, एंड 64 × 4 60, ये हमारा हो गया 54, ये 64 ये 64 कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा 1। सो बीटा की वैल्यू हमारी हो गई 80, बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 15। सो लैम्डा माइनस बीटा हो गया हमारा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस बीटा हो गया हमारा 100 − 15 इज इक्वल टू 85। सो 85 इज द आंसर, 85 है लैम्डा माइनस बीटा की वैल्यू। हमने सारा सिंपल मैथमेटिक्स, अगर हमें ये इक्वेशन पता है उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंपली सॉल्व किया है। हाँ, ध्यान ये रखना है सॉल्व करने में कहीं आपसे कोई गलती ना हो, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत जहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं वहाँ पे और ध्यान से सॉल्व करना है, कोई भी रैशनल नंबर आ जाता है तो उसका बहुत ध्यान रखना है। और ये बड़ी हमने आराम से सॉल्व किया, लैम्डा माइनस बीटा इज इक्वल टू 85 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेट दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द एलिप्स, दिस इज एलिप्स बी सच दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई, ई एच एंड ई ई आर द सेंट्रिसिटी ऑफ एच एंड ई, देन वैल्यू ऑफ 12 ई एच स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, हमें हाइपरबोला दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय यहाँ पे 1 है, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे बी स्क्वायर 1 हो गया, सो इसका इसेंट्रिसिटी होती है हमारी 1 + b² बाय ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारे और ये हमारी वैल्यू है 1 + यहाँ पे b की वैल्यू दी हुई है 1/a². सो ये हमारी इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ये है। और उसके बाद हमें लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, जो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, सो द एलिप्स लेट द हाइपरबोला एंड एलिप्स बी सच दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 2b² / a, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई, सो ई की लेटेस्ट रेक्टम की भी जो लेंथ होती है वो बराबर है, सो दैट मीन्स 2 × इज यहाँ पे अगर हम एलिप्स की बात करें तो ये एलिप्स की फॉर्मूला हो गया हमारा x² / 4 x² / 4 y² / 3 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा हो गया 2 × इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2 × b² / a, सो बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 2 × b² = 3, a की वैल्यू है हमारी 2,
तो यहाँ से हम यहाँ पे ये हाइपरबोला का है, हाइपरबोला में हमें बी की वैल्यू 1 दी हुई है, सो यहाँ पे हमारा आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो हियर वी गेट 1 बाई ए इज इक्वल टू 3 बाई 2, सो इसका मतलब हो गया हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2 बाई 3, सो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, बिकॉज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई, ई एच एंड ई ई आर दी सेंट्रिसिटी, सो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, सो ई एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ई एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, सो 1 बाई ए स्क्वायर का मीन्स 4 एंड ऊपर आ गया 9, सो ये हमारा हो गया 13 बाई 2, सो ई एच की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू ई ई की वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रिसिटी जो इसकी होती है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू होती है, सो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 एंड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, सो 1 माइनस दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो ये हमारी होगी 1 बाई 2, सो हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू इज 12 इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ एच का स्क्वायर मीन्स 13 बाय 4 प्लस इसेंट्रिसिटी ऑफ ई का स्क्वायर मीन्स 1 बाय 4, सो ये हमारा हो गया 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हम सब इसको करेंगे कैंसिल 7, इसको करेंगे इससे कैंसिल 6, सो ये हमारा हो गया 42, सो ये हमारा हो गया आंसर इज 42, सो दिस इज द आंसर, सो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, सिंपल हम जो जो कहता गया हम साथ साथ करते गए, सबसे पहले उसने कहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई, हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, इसेंट्रिसिटी एच की निकाल ली, इसेंट्रिसिटी एच की आ गई, इसेंट्रिसिटी ई की निकाल ली, वो हमें फॉर्मूला पता है, दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रेंड्स 2022 का, या आज का आखिरी क्वेश्चन मेंस का, उसके बाद हम 23 के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, लेट लैम्डा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू म्यू बी अ टेंजेंट टू हाइपरबोला, दिस इज द हाइपरबोला, देन ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन, ये हमें इक्वेशन दी है टेंजेंट की, लैम्डा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू म्यू, और उसके बाद हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है एंड इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो हमें पता है अगर हमें हाइपरबोला दिया हो लेट अस से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कोई भी इसका पॉइंट होता है ए सीकेंट थीटा कोमा बी टेन थीटा एंड इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट होगा तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाय ए सीकेंट थीटा माइनस वाई बाय बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स आप इसका स्क्वायर हटा दीजिए एंड सीकेंट थीटा लगा दीजिए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए सीकेंट थीटा लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स कर दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह वाई कर दीजिए, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, मैं इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे मैं इसका टेंजेंट निकाल लूँगा एक्स डिवाइडेड बाई बी बाई ए इंटू सीकेंट थीटा माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू इंटू इंटू टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारे टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इसको किसी भी प्रकार का टेंजेंट होगा ऐसा होगा, अब हमें ये दिया हुआ है, सो हमें कोफिशियंट कंपेयर करने हैं, सो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय बी इंटू ए एंड यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है लैम्डा, सो इसको डिवाइड कर देंगे लैम्डा के साथ, दिस इज इक्वल टू वाई का कोफिशियंट है टेन थीटा बाय बी, माइनस का साइन है यहाँ भी माइनस का साइन है, सो यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 1 एंड यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू, सो ये इक्वेशन आ गई हमारी, अब इसमें से हमने लैम्डा बाय ए की वैल्यू निकालनी है, म्यू बाय बी की वैल्यू निकालनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए और बी से बी कैंसिल हो गया, ए बाय लैम्डा सीकेंड थीटा का मैंने नीचे कर लिया कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा, ये जस्ट मैंने पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, बी और बी को हटा लिया, सो यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू 2 बाय साइन थीटा, सो लैम्डा बाय ए की वैल्यू में पता चल गई लैम्डा बाय ए की वैल्यू होगी 2 बाय साइन थीटा, अब हम यहाँ से म्यू बाय बी की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं, म्यू बाय बी इज इक्वल टू
म्यू बाय बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू ऊपर ले जाएं और बी नीचे ही है हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 बाय tan थीटा। सो अब हमें यहाँ पता चल गया ये हो गया 2 बाय sin थीटा, 2 बाय tan थीटा, हमें जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। सो यहाँ पे हो गया हमारा 2 बाय sin थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस म्यू बाय बी की वैल्यू कितनी है 2 बाय tan थीटा, 2 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 4 डिवाइडेड बाय sin² थीटा एंड इसको मैं कर सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाय sin² थीटा इंटू cos² थीटा। सो इसमें से मैंने 4 बाय sin² थीटा कॉमन ले लिया इंटू यहाँ पे 1 माइनस cos² थीटा बन जाएगा, वो भी sin² थीटा है। सो ये sin² थीटा कैंसिल हो गया, सो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4। सो डी इज द आंसर। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए 2022 में मेंस में आए हुए। इसी प्रकार मैं आपको करवाऊंगा 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन जो जनवरी सेशन में आए हैं, 4 क्वेश्चन जो हमारे अप्रैल सेशन में आए हैं 2023 में, कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हैं। आज के लिए इतना ही, बन रही है चैनल के साथ, नमस्कार।